हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जो हम व्हाट्सएप में जो कोई फोटो भेजते हैं तो फोटो सबसे कैसे निकाले एकदम ओरिजिनल आधार कार्ड की तरह। तो चलिए सबसे पहले व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप में यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड है यहाँ, इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसको ओपन करके यहाँ कॉपी इमेज कर लेना है, इसको सेव भी नहीं करना है। फोटोशॉप में जाके आपको एक यहाँ न्यू पेज ले लेना है, कोई भी एक पेज ले सकते हैं। लेन का बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और फोटो जो है, फोटो को रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट करके सीधा कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेंगे, लेने के बाद साइज कर लेंगे पहले यहाँ से जितना तक होता है। देखिए चारों कोनर जैसे कि आना चाहिए। आने के बाद इमेज में जाके इसमें को इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल टी दबा के सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल दबा के जो माउस है इसको ड्रैग कीजिए, ऊपर कीजिए, हो गया है सेट सेलेक्ट सेट। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस इसके साथ भी कीजिए। चलिए यहाँ भी हो गया, उसके बाद यहाँ भी कीजिए थर्ड कॉर्नर में, ये भी हो गया। उसके बाद इसको भी ड्रैग करके कॉर्नर में चला दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। ये करने के बाद यहाँ फिर से इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में जाके, जैसे आप सबको पता है कि आईडी कार्ड का साइज फ्रेंड्स सेंटीमीटर में अगर बोला जाए तो विड्थ हो जाता है आपका 8.5 और हाइट हो जाता है आपका 5.4। रेजोल्यूशन 300 ले लीजिए आप, उसके बाद आप इंटर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आईडी कार्ड साइज हो गया। अब फ्रेंड्स, इसको क्लिंक कैसे करना है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है। कंट्रोल एल प्रेस करके ये थर्ड वाला जो पेंसिल है इसको क्लिक करके इस जगह में क्लिक कर देंगे। तो देखिए थोड़ा क्लिन हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल मेथड आपको बताएंगे, बस स्टेप आप स्टेप को फॉलो कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा लेवल को थोड़ा देख लीजिए अपना हिसाब से, जैसा आपका फ़ोटो है उस हिसाब से आपको इसे क्लियर कीजिए। कंट्रास्ट को थोड़ा और भी ले लेते हैं। लेने के बाद देखिए बहुत हद तक एकदम क्लियर हो चुका है हम लोग का फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा हम लोग डार्क कर लेंगे। तो देखिए बैक साइड हम लोग का रेडी हो गया है मैक्सिमाइज करके। फिर से एक न्यू पेज लेंगे फ्रेंड्स, A4। अभी हम लोग A4 पेज लेंगे। A4 पेज लेने के बाद इसमें जो है ये वाला कार्ड जो है इसको कंट्रोल दबा के प्रेस करके इसको ड्रैग करके A4 में सेट सेंड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आ गया यहाँ पूरा। अब जो है फर्स्ट पार्ट को कैसे लाएंगे, मतलब फ्रंट पेज को कैसे लाएंगे, तो फिर इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर व्हाट्सएप में जाइए, इसको कॉपी इमेज कीजिए, कॉपी इमेज करके फिर से इसी में सेंड कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल भी से पेस्ट, ठीक है। जैसे कि ये वाला फिर यहाँ से आ गया। चलिए इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, सॉरी 90 डिग्री। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर फॉलो करेंगे जैसा उसके केस में हम किए थे। तो देख सकते हैं यहाँ कंट्रोल प्रेस करके रखिए और माउस से कॉर्नर पकड़ के, देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी माउस से कंट्रोल नहीं प्रेस करके हैं तो कैसा है ये एरो, और माउस प्रेस करते हैं तो कैसा हो गया। तो फिर से सेम प्रोसेस कीजिए, ट्रैक करके ऊपर कीजिए, कंट्रोल प्रेस, माउस क्लिक से जहाँ से होता है एडजस्ट कीजिए, सेम प्रोसेस कंट्रोल प्रेस कीजिए, माउस से ड्रैग कीजिए।
चारों कोना सेम टू सेम कर देना है बस। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट जो था आधार कार्ड का, वो भी सही हो चुका है, बहुत हद तक सही हो चुका है। सबसे पहले हम अब इसको साइज तो कर लिए, चलिए इसको अब फिर से क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल, लास्ट वाला जो पेंसिल है सेट वाइट पॉइंट, इसको क्लिक करके कोई भी एक जगह में प्रेस कर देंगे। देखिए बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे, डार्क कर लिए इसको। यहाँ जो थोड़ा रेड है साइड में, इसको ब्रश टूल से वाइट मार देंगे यहाँ, जैसे कि देखने में अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको साइज साइज पता है, थोड़ी देर पहले हम पूछे आपको, एम एस साइज में जाके देख सकते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 8.5, 5.4, बस 8.5, 5.4, 300। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग आईडी कार्ड यहाँ बन के रेडी हो गया है। उसको कंट्रोल ए से ऑल करेंगे, उसके बाद फिर से ड्रैग करके ए4 वाला पेज में हम लोग डाल देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑटो सेलेक्ट क्लियर कर देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप में लिया हुआ आधार कार्ड था, कुछ ही सेकंड में बिना डाउनलोड किए हुए कैसे हम लोग प्रिंट किए हैं, एकदम सेम साइज में जो आधार कार्ड का साइज होता है एकदम क्लियर से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, अवश्य बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी तरह का वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा साइबर कैफे इसी तरह का रिलेटेड का जितना सारा भी वीडियो हो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।